दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के जो 38वां मैच है उसका फुल हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या, आज का मैच का सुपर हीरो कौन है ये चीज़ आपको कमेंट करके बता देना है। IPL के 13वें सीजन के 38वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। किंग्स इलेवन लगातार तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप 5 में पहुँच गई है, वहीं हार के बावजूद दिल्ली टॉप पर बरकरार है। तो दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के इस शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 167 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत खराब रही थी, टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए थे। कप्तान लोकेश राहुल 15, क्रिस गेल 29 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। टीम के लिए निकोलास पुरन ने सबसे ज़्यादा 53 और ग्लेन मैक्सवेल ने 32 रन की पारी खेली। पुरन लीग में दूसरी 50 लगाकर आउट हुए। उन्होंने मैक्सवेल के साथ 4th विकेट के लिए 69 रन की पार्टनरशिप की। क्रिस गेल ने मैच के 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 26 रन बनाए। यह इसी सीजन का पावर प्ले का सबसे महंगा ओवर रहा जो तुषार देशपांडे ने डाला। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खलीज अहमद ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पावर प्ले के दौरान 1 ओवर में 22 रन दिए थे। वहीं मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 1 ओवर में 20 रन दिए थे। दिल्ली ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। टीम की अच्छी नहीं रही शुरुआत, 25 रन पर पृथ्वी शाह और 73 रन के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए थे। ओपनर शिखर धवन ने एक छोर संभाले रखा और 61 बॉल पर सबसे ज़्यादा 106 रन की नवाद पारी खेली। वे लगातार 2 शतक लगाने वाले लीग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 101 रन की नवाद पारी खेली थी। धवन के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर ऋषभ पंत 14-14 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस ने लीग में अपने 2000 रन पूरे किए। पंजाब के लिए मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए जबकि ग्लेन मैक्सवेल, जिमी निशम और मुर्गान अश्विन को 1-1 विकेट मिला। धवन एक सीजन में 2 या इससे ज़्यादा शतक बनाने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2016 में 4 शतक लगाए थे। क्रिस गेल 2011 में, हासिम अमला 2017 और सैन वाटसन 2018 में एक एक सीजन में 2-2 शतक लगाए थे। सलामी बल्लेबाजी पृथ्वी शाह लगातार 4थे मैच में फ्लॉप रहे। वे इन 4 मैचों में 11 रन ही बना सके। इस दौरान वे राजस्थान और चेन्नई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सकते। मुंबई के खिलाफ उन्होंने 4 और मौजूदा मैच में 7 रन बनाए हैं। दोस्तों यही था आज का कंप्लीट हाईलाइट स्कोर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और आप जरूर कमेंट करिए इस बार IPL का मैच कौन जीतेगा।